जिस तरह से पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज जी ने उनकी विधानसभा चुरा में जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैला है वहां पर जाकर जिस तरह बच्चों के साथ एक अमानवीय व्यवहार किया और अनैतिक व्यवहार किया, उसकी ज्वारवाल मंच हिमाचल प्रदेश कड़ी निंदा करता है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश ज्वारवाल मंच ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पर इस अमानवीय व्यवहार के लिए एसपी चंबा को शिकायत भेज दी है। और साथ ही जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष जब बच्चों के बीच पिछले कल जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला कि बच्चों को कहीं थप्पड़ मार रहे हैं और अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा, तेरी अंगुली तोड़ लूंगा, इस तरह की भाषा शैली हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। ऐसे विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपने जो एक उन्हें पद दिया गया है उस पद की गरिमा को रखते हुए उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए और बच्चों से कहीं ना कहीं एक माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से हमने पिछले एक डेढ़ महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से चुरा के विभिन्न स्कूलों की गतियां देख रहे हैं, गतिविधियां देख रहे हैं, वहीं जो रैला स्कूल था वहां पर पिछले जब से अपग्रेड किया गया था वहां पर अध्यापकों की कमी खली है और जो वहां के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जो विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने पिछले दिनों एक सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया था। कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हंसराज जी है एक प्रतिशोध की भावना से, हम यही कह सकते हैं एक प्रतिशोध की भावना से आप बच्चों के बीच गए और बच्चों पर जो अमानवीय व्यवहार आपने किया वो कहीं ना कहीं एक आपका प्रतिशोध की भावना को दिखाता है। बच्चों के साथ इस तरह की प्रतिशोध की भावना को दिखाना और बच्चों की जो डेमोक्रेसी है उसको उस पर दबाव बनाना और जो सरकार का यह रवैया है इसको ज्वारवाल मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।